दिल्ली से करीब 225 किलोमीटर दूर मेरठ में दहशत का माहौल है। 36 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन वो अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है, जिसके चलते शहर में खौफ है। जी हाँ, खौफ किसी आतंक का नहीं है, आतंकी का नहीं है, बल्कि एक तेंदुए ने शहर में कर्फ्यू का माहौल बना दिया है। ये तेंदुआ मेरठ में लोगों की जान के लिए आफत बना हुआ है। ये तेंदुआ आधा दर्जन लोगों को जख्मी भी कर चुका है, लेकिन अभी तक इसे काबू में नहीं किया जा सका है। पुलिस प्रशासन और सेना की कोशिशें भी इसके आगे बौनी साबित हो रही हैं। तेंदुआ कल 7:30 बजे मेरठ के मिलिट्री हॉस्पिटल में घुस गया था, जिसके बाद एक पेड़ पर पूरा दिन वो छुपा रहा। सर्च ऑपरेशन में जुटे वन विभाग के कर्मचारियों को भी लगातार चकमा दे रहा है। तो आर्मी के एक निर्माणाधीन मेस में इस तेंदुए ने वहां पर काम कर रहे मजदूरों पर भी अटैक कर दिया। गनीमत ये रही कि किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। तेंदुए के दहशत का आलम ये देखिए कि कल मेरठ के जो भी स्कूल थे वो सब बंद रहे और अभी तक इस तेंदुए को पकड़ा नहीं जा सका। तो स्थिति ये है कि दिल्ली से भी टीम गई है ट्रैंकुलाइज करने के लिए। जो गन है वो जंग लग चुकी है उसमें, और अब तक इस तेंदुए को पकड़ा नहीं जा सका है। 1.5 साल पहले भी कुछ यही हुआ था, अब तेंदुए का आतंक मेरठ में देखने को मिला था। और इसी के बाद ये सवाल उठता है, क्या ये कहें कि जंगल में इंसानी दखल इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब तेंदुए को हम ले लें, या फिर कई ऐसी जगह है उत्तराखंड की अगर हम बात कर लें, वहाँ पर गुंडार देखने को मिल जाता है, तो और उसके बाद रिहायशी इलाकों में ये आ जाते हैं। पकड़ने की जो कोशिशें हैं वो किस तरीके से नाकाम हो रही हैं मेरठ में देखने को मिल रहा है। स्कूल भी बंद किए गए कल एहतियातन, लेकिन अभी भी हम देखें तो मुसीबत का सबब बना हुआ है एक तेंदुआ प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए। ये तस्वीरें आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। ये देखिए किस तरह मजबूत जबड़ों और तीखे पंजों वाला तेंदुआ एक शख्स पर झपट्टा मारता है। एक बार फिर देखिए कैसे ये तेंदुआ पूरी रफ्तार से आता है और इस शख्स पर झपट पड़ता है। इस शख्स का क्या हुआ ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि मामला क्या है। असल में मामला मेरठ का है। ये वही तेंदुआ है जिसकी तलाश मंगलवार से चल रही है, और इस तेंदुए की दहशत ऐसी कि मेरठ के स्कूल तक बंद करने पड़े। मेरठ के बाजार में इसने कर्फ्यू के हालात पैदा कर दिए। अब जरा फिर सीसीटीवी की इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये एक निर्माणाधीन इमारत है जहां 5 से 6 लोग नीचे कमान संभाले हुए हैं और कुछ छत पर चढ़े हैं। तभी एक शख्स को कुछ दिखता है और वो बाकियों को आगाह करता है। सिर में सफेद पट्टी पहने ये शख्स मोर्चा संभालता है, लेकिन इससे पहले कि वो वार करता, फुर्तीले तेंदुए ने उसे ही जकड़ लिया। इस शख्स की क्या हालत रही होगी समझा जा सकता है। हालांकि अटैक के बाद तेंदुआ वापस बिल्डिंग में छिप जाता है और सफेद पट्टी वाला ये शख्स खुद को संभालता है और एक बार फिर सब मोर्चा संभालते हैं। तभी फिर हलचल होती है, तेंदुआ फिर दिखाई देता है, लेकिन इस बार सभी वहां से हट जाते हैं। छत से कोई पत्थर मारता है जिसकी वजह से तेंदुआ फिर वापस छुप जाता है। तेंदुए के साथ शह और मात का ये खेल लगातार चलता है। आपको बता दें कि ये खतरनाक जानवर कई लोगों को जख्मी कर चुका है। असल में मंगलवार को ये तेंदुआ मेरठ के आर्मी हॉस्पिटल में घुस गया था, लेकिन प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद तेंदुआ आर्मी हॉस्पिटल से भाग गया और हॉस्पिटल के करीब फाजिलपुर गांव में घुस गया। फिर क्या था, तेंदुए को पकड़ने का ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन तेंदुआ यहां से वहां भागता रहा और सर्च ऑपरेशन में जुटे लोगों को छकाता रहा। दहशत का माहौल ऐसा कि इलाके में मानो कर्फ्यू लग गया हो। प्रशासन ने एहतियातन स्कूल कॉलेज बंद कर दिए,
लेकिन इंसानी आबादी में घुस आया ये जानवर कहाँ रुकने वाला था, लिहाजा कई लोग इसकी जद में आ ही गए। राजीव शर्मा, इंडिया 24/7 मेरठ।